जो नेता ये भाषण दे रहे हैं वो अपने बच्चों को तो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों से यहाँ जुलूस में झंडा ढोवा रहे हैं। उन नेताओं को आपसे कम हम भी नहीं जानते हैं। मैं भी कहता हूँ और आप सबको करनी चाहिए, क्योंकि आप एक शिक्षित व्यक्ति है, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, इसका विरोध कहीं से नहीं है। हमने आपको जो फॉलो किया पिछले कुछ दिनों से, कटहरिया भगवानपुर में आपके स्टेज पर मैं भी था, वहाँ आपने मंदिर की बात की, बच्चों की पढ़ाई की बात की, तो हमारा सवाल ये है कि दिल्ली में अन्ना जी के अनशन से केजरीवाल जी निकले, लोगों ने भरोसा किया, अपने बच्चों के लिए भी उन्होंने आशा लगाया होगा, तो क्या हो गया आज दिल्ली की क्या स्थिति है? मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लोगों की स्थिति बहुत पहले से बेहतर हो गई है, बहुत पुरानी सरकार को उखाड़ के केजरीवाल साहब ने फेंका। बिहार में आप कह रहे हैं हम लोग भरोसा करने के लिए तैयार है, हम आपके साथ रहेंगे, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हमारे बच्चे आपके आने से बेहतर शिक्षा ले पाएंगे, बेहतर रोजगार मिल पाएगा? सर प्लीज एक मिनट, बस एक मिनट सर। दूसरी बात, हमें रोजगार चाहिए, हमारे बच्चों को शिक्षा चाहिए, हर चीज चाहिए, इसकी क्या गारंटी है कि आप आने से हमारे बच्चों की स्थिति सुधर जाएगी? आप पर भरोसा क्यों करें? वही बात यही भी कह रहे हैं, इतनी देर से हम आपको यही कह रहे हैं कि भैया मेरे पर तो बिल्कुल भरोसा मत करो, मेरे पर भरोसा मत करो। 100 बार कहे आपने, कहा कि आपने हमारी सभा सुनी है पहले, तो वहां पर भी मैंने ये नहीं कहा होगा कि हम पर भरोसा करके हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। हम तो आपको बेसिक बात बता रहे हैं, आप वोट किसको दें ये आपका निर्णय है, लेकिन किस बात के लिए दें ये आपको बताया जा रहा है। आप सांस्कृतिक विरासत के लिए देना चाहते हैं बिल्कुल दें, लेकिन साथ में अपने बच्चों के रोजगार की भी चिंता कर लें। मंदिर आप जाते हैं तो आपसे कम मंदिर हम भी नहीं जाते हैं, लेकिन आप मंदिर जाते हैं इसलिए हम अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता ना करें, यह भी आपको अधिकार नहीं है। जैसे हमें अधिकार नहीं है कि आप अपनी सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा दोनों को क्यों सोच रहे हैं, आप यही कह रहे हैं भाई आप पढ़ाई के बाद काय कर रहे हैं, हम तो मंदिर पे देना चाहते हैं। सुन तो लो भाई, आपका सवाल हिंदी में उतना समझ में आ गया। आपका ये निर्णय है कि आप सांस्कृतिक विरासत पर वोट देना चाहते हैं, मान लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा आपका निर्णय, मान लीजिए हमारा निर्णय है, तो ये मेरा विचार है, लोकतंत्र है, आपकी स्वतंत्रता है। हमारा विचार है कि भैया सबसे ज्यादा जरूरी है कि तुम अपने और अपने बच्चों की पढ़ाई की पहले चिंता कर लो। अगर आपकी इतनी भी समझ नहीं है कि आप अपना नाम लिख सके तो किस सांस्कृतिक विरासत को बचाओगे? किस सांस्कृतिक विरासत में बताया गया है कि अपने बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बना दो? ये बता दीजिए हम, जिस सांस्कृतिक विरासत की आप बात कर रहे हैं, इस सांस्कृतिक विरासत में यह बताया गया कि अपने बच्चों को पढ़ाओ नहीं, उनसे जुलूस में उनको घुमाओ, धर्म का रक्षक बनाने के नाम पर उनको मिलिटेंट बना दो, और जिन नेताओं को जो नेता ये भाषण दे रहे हैं वो अपने बच्चों को तो अमेरिका में पढ़ा रहे हैं और आपके बच्चों से यहाँ जुलूस में झंडा ढोवा रहे हैं, उन नेताओं को आपसे कम हम भी नहीं जानते हैं। बात किसी के विरोध की नहीं है, बात बिहार के बच्चों की है।